वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया स्पेशल वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें कि आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो रहेंगे ही, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना सही जवाब भी आप दीजिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। तो पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? इसका सही जवाब सिलेक्ट करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो कि शुरू होता है अब। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रमुख कारण नहीं है? गेस करना बहुत ही ईजी था इसका जवाब, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा सुविधा। क्वेश्चन नंबर दो है आपके लिए, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कॉम्प्लेक्स जिसके बीच में मुक्केबाजी का खेल होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिंग। काफी बार आपने सुना एवं देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम यानी कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? यानी कि लीनिंग टावर, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, इटली, जर्मनी या इंग्लैंड? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि ईच साइड, 5, 6, 7 या 8? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 यानी कि 7। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ट्रेंडिंग और न्यू क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम्स में बिल्कुल इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। ध्यान रहे जवाब है कैलाश सत्यार्थी। दसवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में यानी कि ईच साइड में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रहे पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने फोन के इंटरफेस बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन के साथ। आपके 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ पे शुरू की गई? पूरे विश्व में पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ पे शुरू की गई? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या जयपुर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, जो की वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा क्या जोड़ता है? जोजिला दर्रा क्या जोड़ता है? जोजिला दर्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ध्यान जरूर दीजिएगा।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गिल्ला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, यानी कि चेयरमैन ऑफ इसरो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, के शिवन। 15वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य यानी कि सेंटर में क्या स्थित है? ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा पहाड़िया, सतपुरा पहाड़िया। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मसूरा। बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, फलों के रस में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है? फलों के रस में, तो इसका सही जवाब होगा, फलों के रस में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? उर्दू, अरबी, फारसी या अरमाइक? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है, तंबाकू का सबसे बड़ा प्रोडक्शन राज्य कौन सा है? काफी बार आपने पढ़ा है तंबाकू का सबसे बड़ा प्रोडक्शन राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लास्ट वीडियो की क्यू फॉर यू में, कि विश्व विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त। 19 अगस्त, जो कि अभी एक दो दिन पहले ही गया है। तो आज के इस वीडियो के क्यू फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको सही जवाब पता है तो करना ये है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइएगा, क्यू फॉर यू मेंशन कीजिए, उसी के साथ अपना सही ऑप्शन लिख दीजिए। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि लास्ट वीडियो में आपसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, आपने काफी पसंद किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके दोस्तों में उनसे, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम और मेहनत आपके लिए करते रहे एवं नए नए वीडियोज लाते रहे। धन्यवाद, आपका समय बहुत शुभ रहे।